एवरीवन, वेलकम बैक टू कलरफुल थ्रेड्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इन दो कलर से बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा थालपोज का डिज़ाइन। सो काफ़ी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी बिगनर्स के लिए थालपोज बनाने के लिए। ये जो थालपोज मैंने बनाया है बिगनर्स के को ध्यान पे रखते हुए बनाया है, जिससे उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आराम से बन जा सके और कुछ नया सीख भी सके। तो बनाया है मैंने इसे ऑरेंज एंड व्हाइट कलर में। दो कलर का बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है, आगे आपको पूरा पैटर्न देखने को मिल जाएगा। और मैंने इसे 8 नंबर की क्रोशिया हुक से बनाया है, एमएम में बताऊं तो 3.5 एमएम की क्रोशिया हुक से। डायमीटर पूरा इसका लगभग 16 to 17 inches है। बड़ा कैसे बनाना है वो भी मैंने आगे बताया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक इसका कमेंट सेक्शन में मैं दे रही हूँ। कमेंट में आप जाके उस लिंक को प्रेस करिए और मेरे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वहाँ भी मुझे जरूर से जरूर सपोर्ट करिए। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 3 प्लाई की वूल और 3.5 mm क्रोशिया हुक, मीन्स 8 नंबर का क्रोशिया हुक मैंने इसमें ले रखा है। सबसे पहले इसमें टोटल 7 चेन बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात चेन बना के जो हमारा फर्स्ट वन है इसमें अपने वर्क को ऐड करेंगे। फर्स्ट चेन में वर्क को ऐड कर लेंगे 1 और 2। दो चेन बनाएंगे, ये हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है। सेम इसी होल से डालना है और एक सिंगल क्रोशिया, फिर से इसी होल से डालेंगे दूसरी सिंगल क्रोशिया, अगेन इसी होल से डालेंगे तीसरी सिंगल क्रोशिया। तो सिंगल क्रोशिया के लिए आपको हुक में कोई लूप नहीं लेना है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको होल में डालना है और इस तरह से ग्रैब करते हुए निकाल लेना है। तो टोटल इसमें 11 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 11 सिंगल क्रोशिया प्लस 2 चेन मिलके 12 हो जाएंगी। तो पूरे में 11 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से पूरे में बना के रेडी कर लिया। अब यहाँ पे 2 चेन बनाई थी तो सेकंड नंबर वाली जो हमारी चेन है उसमें अपने वर्क को स्लिप स्टिच से हमें ऐड कर देना है। जो सेकंड नंबर चेन है उसमें डालेंगे और स्लिप स्टिच से यहाँ वर्क को ऐड करेंगे। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। टोटल यहाँ हमने 24 चेन बना के रेडी की है और इस 24 चेन को अब हमें ऐड करना है फर्स्ट नंबर सिंगल क्रोशिया पे। ये पहली सिंगल क्रोशिया है, इसमें डालेंगे और अपने वर्क को यहाँ स्लिप स्टिच से ऐड कर लेंगे। ओके, अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। फिर से 24 चेन बनाएंगे और 24 चेन बना के थर्ड नंबर सिंगल क्रोशिया में ऐड कर लेंगे। तो हर दूसरी सिंगल क्रोशिया में आपको 24 चेन को ऐड करना है और इस तरह का लॉन्ग लूप बन के रेडी होगा ऐसा। ओके, फिर से 24 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 चेन बना के अगेन फोर्थ नंबर सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और जितनी भी सिंगल क्रोशिया है उसमें ऐसे ही आपको बना के 24-24 चेन का लूप बनाना है और इस तरह से उसे नेक्स्ट वन में ऐड करते जाना है। टोटल 12 लूप आपके इस तरह के बन के रेडी। इस तरह से पूरे में मैंने बना के रेडी कर लिया है और टोटल 12 लूप बन के रेडी हुए हैं। वर्क के एंड में एक चेन बनाएंगे और धागे को यहीं से कट कर लेंगे।
ओके। इस तरह का पूरा फ्लावर बन के रेडी होगा। अब किसी एक लूप में यहाँ पे धागे को ऐड करना है, सेम थ्रेड को ही ऐड करेंगे इसमें। एक दो तीन ऐड करके तीन चेन बना लेंगे, ये हमारी पहली डबल क्रोशिया होगी। सेम लूप से ही डालेंगे, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर से इसी जगह से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो टोटल तीन डबल क्रोशिया बन के रेडी हुई। एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे, सेम इसी प्लेस से फिर से डालना है और एक दो तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन और तीन डबल क्रोशिया बन के रेडी हुई। अब दूसरा लूप लेंगे, सेम लूप से डालना है और अगेन हमें तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन और तीन डबल क्रोशिया बनानी है। एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन, सेम स्पेस से तीन डबल क्रोशिया, एक दो और तीन। तीसरा लूप लेंगे, थर्ड लूप में डालेंगे और इसमें बना लेंगे तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन और तीन डबल क्रोशिया। सो सेम प्रोसेस को ही हमें रिपीट करना है और पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। पूरे में आपको तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन और तीन डबल क्रोशिया बना के इसी तरह से रेडी करना है। ओके, सेम ऐसे ही बनाएंगे और पूरा एंड तक बनाएंगे। इस तरह से मैंने पूरे में बना के रेडी कर लिया है और अब जो थर्ड नंबर चेन है यहाँ पे अपने वर्क को इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे। एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, दूसरे में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे और स्लिप स्टिच बनाते हुए बीच में जो तीन चेन का स्पेस है इसमें आ जाएंगे। और यहाँ मैं दिखा दूँ आपको, ये जो सेंटर पीस है ये हमारा कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न इसमें बन के रेडी होता है। ये बीच में पूरा राउंड शेप ले लेगा आपका जैसे ही बन के रेडी होगा। और अब यहाँ से हमें डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो सेम एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे, सेम प्लेस पे डालेंगे और इस बार यहाँ पे अब हमें चार डबल क्रोशिया बनानी है। एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया, तीन चेन, सेम प्लेस पे चार डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार। नेक्स्ट तीन चेन के स्पेस पे आएंगे और चार डबल क्रोशिया, तीन चेन, चार डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाले पे बनाएंगे। एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया, तीन चेन और चार डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार। थर्ड वन में आएंगे और चार डबल क्रोशिया, तीन चेन और चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जितने भी तीन चेन का स्पेस है सब में आपको इस बार चार डबल क्रोशिया, तीन चेन और चार डबल क्रोशिया बना के रेडी करना है। तो इस तरह से सेकेंड राउंड भी बन के रेडी है और अब सेकेंड राउंड के बाद वर्क को अगेन थर्ड नंबर वाली चेन में ऐड करेंगे। एक चेन बनाएंगे, धागे को यहीं से कट कर लेंगे। तो कट करके अब इतना पार्ट बन के रेडी हो चुका है और अब यहाँ पे तीन चेन के स्पेस पे हमें दूसरे कलर का धागा, जो भी आप कॉम्बिनेशन में लगाना चाहते हैं उस कलर के धागे को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। मैं ऑरेंज और वाइट कलर से पूरा डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, सो मैंने यहाँ पे वाइट कलर का धागा ऐड किया है। एक दो और तीन, तीन चेन बनाएंगे, चार डबल क्रोशिया से नीचे वर्क किया है तो इस रो में भी राउंड में हमें चार डबल क्रोशिया से ही वर्क करना है। अब ये जो बीच का बटरफ्लाई पैटर्न है, चार डबल क्रोशिया, तीन चेन और चार डबल क्रोशिया, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चार डबल क्रोशिया, तीन चेन, सेम प्लेस पे चार डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार, एक दो, बीच में दो चेन का स्पेस देंगे
और सेम जो नेक्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया है इसमें चार डबल क्रोशिया, तीन चेन और चार डबल क्रोशिया बना लेंगे। सो इस बार जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, मीन्स चार डबल क्रोशिया, तीन चेन और चार डबल क्रोशिया ही रहेगा। आपको बीच में दो चेन का स्पेस दे देना है जिससे कि आपका वर्क स्मूथली चलता रहे। दो चेन का स्पेस अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप एक चेन के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे इस राउंड में दो चेन का स्पेस ज़्यादा ठीक रहेगा इन कंपैरिजन टू वन चेन स्पेस। दो चेन, फिर से नेक्स्ट पैटर्न पे चार डबल क्रोशिया। सो इस तरह से बना के रेडी करना है, बीच में दो चेन का स्पेस देते हुए वर्क को कंटिन्यू। पूरा राउंड बना के रेडी कर लिया है। वर्क के एंड में थर्ड नंबर वाली चेन में अपने वर्क को ऐड करेंगे और उसके बाद की तीन डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक, दो, तीन। तो इस तरह से तीन डबल क्रोशिया, तीन स्लिप स्टिच बना के एक स्लिप स्टिच आपको तीन चेन स्पेस पे बनाना है ताकि आप इस वाली स्पेस पे आ सके। अगेन तीन चेन बनाएंगे सेम प्लेस पे, सेम वैसे ही बनाना है हमें चार डबल क्रोशिया, तीन चेन और चार डबल क्रोशिया। तो ये बीच का जो पैटर्न है चार डबल क्रोशिया वाला, ये सेम होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपको बीच की चेन बढ़ानी है। एक, दो, तीन, चार। चार चेन हो गई, चार डबल क्रोशिया हो गई, सॉरी यहाँ पे दो चेन बनाई थी। सो इस राउंड में मैं तीन चेन बनाऊंगी, एक, दो और तीन। तीन चेन बना के अगेन नेक्स्ट वाला जो पैटर्न है उसमें चार डबल क्रोशिया, तीन चेन और चार डबल क्रोशिया। तो ये पैटर्न सेम रहेगा। तो इस बार यहाँ पे तीन चेन बनानी है और तीन चेन के साथ कंटिन्यू करते हुए इस पूरे राउंड को भी हमें ऐसे ही ओवर प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है। और अब वर्क के एंड में थर्ड नंबर चेन में वर्क को ऐड करेंगे, एक चेन बनाएंगे और अगेन धागे को कट कर लेंगे। फिर से जो ऑरेंज कलर का थ्रेड है, जो फर्स्ट थ्रेड है आपका, उसे यहाँ पे ऐड करना है बीच में तीन चेन के स्पेस पे। तो इस तरह से धागे को ऐड कर लिया और धागे को ऐड करने के बाद अब यहाँ पे सेम प्रोसेस पे ही पहले चार डबल क्रोशिया, तीन चेन और चार डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार। चार डबल क्रोशिया, तीन चेन, सेम प्लेस पे चार डबल क्रोशिया। एक, दो, तीन और चार। और अब यहाँ पे ये वाला जो स्पेस है दो तीन चेन का, इसमें बनानी है दो डबल क्रोशिया, एक और दो, दो डबल क्रोशिया, तीन चेन और दो डबल क्रोशिया। ओके, फिर से ये जो तीन चेन का स्पेस है पैटर्न वाला, जहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनी हुई है, इसमें चार डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो बीच में हमने एक नई डिज़ाइन स्टार्ट कर दी है, यहाँ पे चार डबल क्रोशिया, तीन चेन और चार डबल क्रोशिया। अगेन ये जो तीन चेन का स्पेस है यहां बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, तीन चेन और फिर से दो डबल क्रोशिया। तो ये देखिए सेम ही प्रोसेस पे बनाना है। ये पुरानी ही डिजाइन है जो चलती आ रही है, ये हमने नई डिजाइन स्टार्ट की है। तो जितने भी तीन चेन का स्पेस है उसमें आपको ऐसे बनाना है और जो पहले से डिजाइन बन रही है चार डबल क्रोशिया वाली, वो एज इट इज सेम रहेगी। सेम प्रोसेस को रिपीट करके राउंड ओवर। पूरा राउंड बन के अगेन रेडी है नेक्स्ट राउंड के लिए। फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे और ये जो चार डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है ये एज इट इज सेम वैसे ही बनेगा। तो इसे बना के रेडी कर लेंगे। स्लिप स्टिच बना के पहले बीच में आएंगे और यहाँ पे बना लेंगे चार डबल क्रोशिया, तीन चेन और चार डबल क्रोशिया। चेन और चार डबल क्रोशिया। ओके, अब यहां पे जो तीन चेन का स्पेस है दो डबल क्रोशिया, तीन चेन वाला, इसमें बना लेनी है तीन डबल क्रोशिया,
तीन चेन और तीन डबल क्रोशिया। तो जो ये प्रोसेस हमने यहाँ पे किया है, स्टार्टिंग से तीन डबल क्रोशिया की है, उसके बाद चार डबल क्रोशिया की है, फिर चार डबल क्रोशिया बना के यहाँ पे दो चेन बनाई है, फिर चार डबल क्रोशिया बना के तीन चेन बनाई थी। तो अब इन चार रोज को आपको फिर से रिपीट करना है। ये जो चार डबल क्रोशिया वाला पार्ट है ये एज इट इज रहेगा, पर ये जो नई डिजाइन बन रही है इसमें आपको एक दो तीन चार, इन चारों पार्ट को रिपीट करना है। तो यहां मैं राउंड नंबर वन इसमें कर रही हूं, जिसमें तीन डबल क्रोशिया तीन चेन और तीन डबल क्रोशिया बनानी है। एक दो और तीन, ओके। बीच में कोई चेन स्पेस नहीं है, जो चार डबल क्रोशिया वाला पार्ट है उसमें चार डबल क्रोशिया ही बनेगी। और हर दो राउंड के बाद आपको इसमें कलर को भी चेंज कर लेना है। यहाँ पे दो राउंड मैंने व्हाइट से बनाए हैं, दो राउंड ऑरेंज से बनाऊंगी। जो जितने भी नया आपका स्टार्ट हुआ है डिजाइन, उन सब में आपको तीन डबल क्रोशिया तीन चेन बनानी है। जिसमें चार डबल क्रोशिया बन रही है वो एज इट इज वैसे ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इस राउंड को बनाएंगे, इसके बाद ये जो सेकेंड राउंड आपने बनाया है इस राउंड को बनाना है, जिसमें सब में आपको चार चार डबल क्रोशिया बनानी है। जितने भी डिजाइन बनी है सब में चार डबल क्रोशिया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ओके। उसके बाद वाला जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें भी सब में चार डबल क्रोशिया ही बनानी है, और हर डिजाइन के बाद आपको एक चेन का स्पेस दे देना है। और उसके बाद वाले राउंड में चार डबल क्रोशिया ही बनानी है और हर डिजाइन के बाद दो चेन का स्पेस देना है। अगर दो चेन और तीन चेन में आपका प्रॉपर हो तो दो चेन और तीन चेन देंगे, जैसे इसमें दिया है। बट अगर दो चेन और तीन चेन से कर्लिंग आ रही है तो पहले में एक चेन दे दें, दूसरे में दो चेन का स्पेस दें। तो ये एक दो तीन चार, इन चारों राउंड को मैं रिपीट करूंगी, और ये चारों राउंड आपको ये जो नई डिजाइन है इनमें रिपीट करने हैं। ये फर्स्ट राउंड है तीन डबल क्रोशिया वाला, उसके बाद राउंड नंबर टू थ्री और फोर, मीन्स ये और ये बना के रेडी करना है। तो मैं चारों बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कि किस राउंड में मैंने क्या किया। जैसा मैंने बताया सेम वैसे ही इसमें बना के रेडी कर लिया है। यहाँ से आपको मैंने बताया था, तो यही जो नीचे की रोज थी उन्हीं को रिपीट करना था। तो तीन डबल क्रोशिया के बाद तुरंत मैंने चार डबल क्रोशिया बनाई है। यहाँ पे चार डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे भी चार डबल क्रोशिया है, बीच में दो चेन का स्पेस है। अगेन यहाँ पे चार डबल क्रोशिया है, यहाँ पे तीन चेन का स्पेस है। तो जब हमने यहाँ से नई डिजाइन स्टार्ट की थी तो या इस वाले चार डबल क्रोशिया जो पहले से पैटर्न हमारा बन रहा था उसके बीच में तीन चेन का स्पेस था, उसके बीच से हमने नई डिजाइन स्टार्ट की थी। सो अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो फिर से ये जो नया तीन तीन चेन का स्पेस रेडी हुआ है, यहाँ से आपको नई डिजाइन स्टार्ट करनी होगी। और उस नई डिजाइन के लिए आपको सेम पैटर्न ही रिपीट करना पड़ेगा, मींस जहां जहां चार डबल क्रोशिया बनी हुई है वो चार डबल क्रोशिया ही रहेगी। और नई डिजाइन आपको इस तरह से स्टार्ट करनी पड़ेगी जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, पहले दो डबल क्रोशिया के साथ, फिर तीन डबल क्रोशिया के साथ, फिर चार डबल क्रोशिया के साथ, उसके बाद चार डबल क्रोशिया और दो चेन, और चार डबल क्रोशिया तीन चेन। तो इस तरह से आप बनाते हुए इसे जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। मैं इसे यहीं पे एंड करूंगी। अब मैं इसका फाइनल बॉर्डर बनाऊंगी। फाइनल बॉर्डर बनाने के लिए हमें इस वाला, ये वाला जो हमारा तीन चेन का स्पेस है यहाँ पे आ जाना है। तो बाकी जितना भी पार्ट है उन सब में हमको स्लिप स्टिच बना लेनी है। सब में एक एक स्लिप स्टिच बना ली। ये जो तीन चेन का स्पेस है इसमें भी स्लिप स्टिच ही बनाएंगे, तीन स्लिप स्टिच यहाँ बना लेंगे। और अगेन इधर वाली जो डबल क्रोशिया है उसमें भी स्लिप स्टिच बनाएंगे। तीन चेन है तो पहली चेन में स्लिप स्टिच बना लेंगे, और जो बीच वाली हमारी सेकंड नंबर चेन है स्लिप स्टिच बनाते हुए इसमें आ जाएंगे, ओके। तो बीच वाले पार्ट में आना है, यहीं से हमें स्टार्ट करना है। पहले एक चेन बना लेंगे और एक चेन के बाद यही जो तीन चेन का बीच में पैटर्न का स्पेस है उसमें डालते हुए एक डबल क्रोशिया, दो, तीन, चार, पांच, छः और ये सात। सातवें वाले में अब हमको एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे, सेम इसी के ऊपर से डालेंगे और एक पाइकॉट बना लेंगे। एक दो तीन चार, चार चेन बनाएंगे, सेम इसी स्पेस से फिर से डालना है और एक पाइकॉट बना लेना है। एक दो तीन, अगेन तीन चेन बनाएंगे, सेम सी से
स्पेस से डाल के एक पाइकॉट बना लेंगे। तो तीन बार हमें बनाना है, दो बार तीन चेन का और एक बार चार चेन का। अगेन इस साइड फिर से इसमें छह और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और छह, छह चेन बना के एक चेन बनाएंगे और वर्क को तीन चेन में ऐड कर देंगे स्लिप स्टिच से। तो ये हमारा इस तरह का बॉर्डर बन के रेडी होगा। अगेन एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट जो पैटर्न के बीच में तीन चेन का स्पेस है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात डबल क्रोशिया बनाएंगे और सातवीं वाली में पहले तीन चेन बना के एक पाइकॉट बनाएंगे सेम इसी के ऊपर से, फिर से एक दो तीन चार, चार चेन बना के सेम इसी स्पेस से डालना है, फिर से एक पाइकॉट बना लेना है, एक दो तीन चार, तीन चेन बनाएंगे सेम इसी स्पेस से फिर से डाल के एक पाइकॉट बना लेंगे और अब बची हुई छह डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल तेरह डबल क्रोशिया बन रही हैं, छह डबल क्रोशिया एक साइड पे है, छह एक साइड पे है और बीच में जो सातवें नंबर के डबल क्रोशिया है उसमें हमें पाइकॉट बना लेना है, एक दो तीन चार पाँच छः। जब तेरह डबल क्रोशिया पूरी हो जाए तो एक चेन बनाएंगे और बीच में जो तीन चेन का स्पेस है वहां पे वर्क को ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह का हमारा पैटर्न बनके रेडी होगा। सेम प्रोसेस को ही हमें रिपीट करना है और इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो पहले पूरा इसे जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा बना लें, उसके बाद फिर इस सेम बॉर्डर को सबसे लास्ट में रिपीट करें। सो मैं पूरा बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से पूरा थालपोज बनके रेडी हो चुका है और वर्क में कहीं भी कर्लिंग नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। सो जैसे मैंने बताया है आप अगर वैसे आगे भी कंटिन्यू करते हैं तो आपके वर्क में कहीं भी कर्लिंग नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा, बहुत इजी सिंपल सा पैटर्न बिगनर्स के लिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको पैटर्न कैसा लगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।